Hey guys, welcome to today's episode of Math Booster with Career Plan. आज हम लोग बात करने वाले हैं संडे मसाला लेवल वन पे जो हमारा जो टेस्ट हुआ था बेटा, हम लोगों ने जो टेस्ट दिया था उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है, द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 10% डिस्काउंट एंड स्टिल गेट 11.19% प्रॉफिट ऑन द समेशन ऑफ एसपी एंड सीपी। Find out the MP of article if the CP is 360 rupees. किसी आर्टिकल पे 10% का डिस्काउंट देने पे उस आर्टिकल में 11.19% का प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट किस पे होता है? ये प्रॉफिट होता है सम ऑफ SP प्लस सीपी में। हम कह सकते हैं समेशन ऑफ SP प्लस सीपी, यानी कह सकते हैं क्या, ये जो प्रॉफिट होता है किस पे होता है? CP प्लस SP पे होता है। आपको और सा सुनना थोड़ा, 10% का मतलब होता है 10/100 और 10/100 का मान होता है 1/10। फिर हम लोग देखेंगे इस 1/10 में 10 आपका कुछ और नहीं होगा, 10% का डिस्काउंट। डिनोमिनेटर वो होता है जिसपे परसेंटेज का कैलकुलेशन, यानी आप कहेंगे ये 10 अगर हमारा एमपी होगा तो 1 का क्या हो जाएगा डिस्काउंट, यानी आर्टिकल का एमआरपी अगर 10 रुपया रहेगा तो 1 का डिस्काउंट यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 9। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ना, 11.19% का प्रॉफिट, इसका मतलब होता है क्या, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9। गौर से देखना, 1/9 11 × 9 99 प्लस 1 100, 100/9%, यानी कहने का मतलब क्या, ये परसेंट अगर हटाएंगे तो 100/9 × 1/100, यानी क्या, इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 1/9। और आपको पता है कि डिनोमिनेटर वो होता है जिसपे परसेंटेज का कैलकुलेशन। अब देख सकते हैं कि यहाँ से 11.19% का प्रॉफिट हुआ है वो किसपे हुआ है, वो हुआ है किसपे, वो हुआ है सीपी प्लस एसपी पे, यानी ये जो 9 होगा वो क्या होगा, सीपी प्लस एसपी होगा, और ये 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा आपका प्रॉफिट। यानी आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, देखो जहां तक बात है इसको फर्दर अगर सॉल्व आपने नहीं किया तो काम नहीं होगा। तो आइए इसको एक बार इधर सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा कहानी आएगा, ये तो हम लोगों ने ये लिखा। अब देखते हैं यहाँ पे कि और क्या रिलेशन बन सकता है। रिलेशन अगर बनाने जाए तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि सीपी प्लस एसपी 9 के बराबर है और ये क्या है, 1 का प्रॉफिट। इस सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी हम कहेंगे सीपी प्लस प्रॉफिट किसके बराबर है, 9 के, और प्रॉफिट कितना है 1। यानी आप इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं 2CP, देखो बेटा मैं इस चीज को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 2CP + 1 = 9। अब आप कहोगे कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि सेलिंग प्राइस की जगह पे हमने लिख लिया सीपी प्लस प्रॉफिट, और सीपी प्लस सीपी क्या हो जाएगा 2CP, और प्रॉफिट की जगह पे 1। यानी अब यहाँ पे सीपी का अगर वैल्यू निकालोगे तो 9 - 1 हो जाएगा, इधर 1 जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी 8, और 2CP अगर 8 है तो CP बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए, अब आपका जो CP यहां आ गया वो क्या आ गया, 4। अब बात करेंगे SP की, सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो CP प्लस SP का वैल्यू कितना था, 9, 9 में से 4 CP है तो बाकी का 5 क्या होगा, SP। अब देखिए सवाल बन चुका है, अब देखिएगा कि भाई अगर आपको 1/9 का प्रॉफिट हुआ CP और SP पे, यानी क्या यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो रेशियो होगा 5:4 का होगा। अब आप देख सकते हैं क्या, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो रेशियो है वो 5:4 का है, और यहाँ रेशियो जो है एमपी और एसपी में वो 10:9 का है। अब देखिए जब आपने 10% का डिस्काउंट हुआ तभी तो ऐसा सीन हुआ था ना, यानी दोनों जगह जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, सेम। अब सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 9 और यहाँ 5 है, दोनों को उल्टे नंबर से मल्टीप्लाई, यानी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 4 को भी 9 से, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 10 को भी 5 से। अब आप खुद देखो कि एमपी कितना हो गया, एमपी 5 × 10 यानी 50,
एसपी कितना हो गया 9 गुना 5 यानी 45, सीपी कितना हो गया 9 गुना 4 यानी 36। यानी आप कहेंगे क्या कि भाई हमारा एमआरपी होगा 50, एसपी होगा 45 और सीपी क्या होगा 36। सवाल में साफ साफ बोला है कि कॉस्ट प्राइस 360 है, यानी 36 बराबर है 360, एक बराबर क्या आएगा 10। निकालना है एमआरपी यानी मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस होगा 50, 50 बराबर क्या होगा 50 गुना 10 यानी 500। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर बेटा आपको थोड़ी भी दिक्कत है तो इस सवाल को प्योर रिवर्स करिए और फिर से एक बार चेक देख लीजिए। अब चलिए हम लोग अगले सवाल में आते हैं जो आपके टेस्ट में आ जाया था। देखो बेटा, ये संडे मसाला लेवल 1 का डिस्कशन है। देखो अगला सवाल कितना प्यारा था, आप लोगों ने कहां गलती करी होगी वो सुनना। कौन से बनाना कैसे चाहिए सवाल को। सवाल में लिखा हुआ है कि आर क्वेश्चन सम इज डिवाइडेड इनटू ए बी एंड सी इन सच अ वे ए गेट 260 मोर देन 1/6 ऑफ द सम। ए को जो पैसा मिला है वो टोटल पैसे के 1/6 से 260 ज्यादा है। देखिए सवाल में फिर कोई पेन और पेपर की जरूरत नहीं, इस सवाल में दूर दूर तक कहीं भी कोई पेन और पेपर की जरूरत नहीं है। इस सवाल में बस सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लॉजिक की जरूरत है, लेकिन मैं फिर आपको समझा रहा हूं। आगे देखिए अगला क्या बोला है। बी गेट 40 लेस देन 2/5 ऑफ द सम, यानी बी को जो पैसा मिला है वो टोटल पैसे के 2/5 से 40 कम। एंड सी गेट 300 रुपी, फाइंड आउट द टोटल सम। आप कहेंगे कि टोटल सम अगर टी रहेगा तो टी इंटू 1/6 प्लस 160 प्लस 2 × 2/5 इंटू टी माइनस 40 प्लस 300 बराबर होगा टोटल पैसे के, यानी बराबर हो जाएगा किसके, टी के। और यहां से सॉल्व करके टी की वैल्यू निकालेंगे, वो तो आम बच्चे निकालेंगे, लेकिन आप क्या करोगे, यू ऑल आर माई सब्सक्राइबर्स, तो करना बेटा ये है कि ऑप्शन को देखना। यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या थे, 1200, और क्या ऑप्शन थे 1300, और क्या ऑप्शन से 1250, और क्या ऑप्शन थे आपके 1400, और क्या ऑप्शन थे आपके 1450। बहुत से कोई भी बच्चा देखेगा तो कहेगा कि ए का पैसा कितना है, ए का पैसा टोटल के 1/6 से 260 ज्यादा। यानी ये हमको पता नहीं कि टोटल पैसा क्या है, लेकिन टोटल का अगर 1/6 निकाल रहे हैं, यानी टोटल पैसा 6 से डिविजिबल होना चाहिए, और 6 से डिविजिबल कोई और नहीं है, कौन है, 1200। यानी आप आंसर डायरेक्ट एक लाइन, कुछ नहीं करने की आवश्यकता, लेकिन फिर भी स्टिल आपके दिल में दर्द जाकर गुरु जी आगे बताइए तो आप चेक कर लीजिए। 1200 का 1/6 होता है 200, 200 प्लस 260 यानी हो जाएगा 460। फिर 1200 का 2/5 यानी होगा 480, 480 माइनस 40 यानी 440, ये 460, ये 440, 900, 900 प्लस 300 1200 टोटल आ गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने देखा कि टोटल पैसा 6 से डिविजिबल होना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर ये था। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे 1200 का 1/6 यानी 200, 200 प्लस 260 यानी 460। अब ये 1200 का 2/5 क्या होता है, हमने सिर्फ इसमें टी की जगह वैल्यू पुट करके सेटिस्फाइड करा दिया, लेकिन हम लोगों को साफ साफ पहले ये देखना था कि वो नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। और साथ ही साथ आप कहेंगे 5 से डिविजिबल, लेकिन यहाँ हर एक नंबर 5 से डिविजिबल है, इसलिए हमने ऐसा काम किया। तो चलिए हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। देखिए लेवल 1 का सवाल था, इसमें बहुत आसान आसान सवाल दिए गए हैं, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मैं सवाल को भी बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे लेवल भी बढ़ाता जाऊंगा। आज पहला दिन था यही आसान आसान सवाल लिए थे। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 12% पर एनम इज 72 रुपी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गिवन सम, दैट इज सो सिंपल। आपको पता होना चाहिए 2 सालों में जो SI और CI के बीच में डिफरेंस आया है वो 72 रुपए का है, और 2 सालों के बीच SI और CI का फॉर्मूला होता है PR² / 100 × 100, ये बराबर होता है क्या CI - SI के। आपको पता प्रिंसिपल पता नहीं, आपको बोला गया है क्या कि आपका जो पैसा है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12%, यानी आप लिखेंगे यहाँ पे P 12 × 12
अपॉन 100 इंटू 100, और ये बराबर होगा डिफरेंस के, और डिफरेंस कितना 72। अब क्या किया जाए, 12 से इसको काटेंगे 6 हो जाएगा, 6 से इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, और 2 के इसको काटेंगे 50 हो जाएगा। 50 गुना 100 यानी प्रिंसिपल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब सुनो ना, अभी वो कौन अभी होती हो, मेरी बातों को और सुनना, यहाँ पे कुछ करना नहीं था हम लोगों ने। 2 साल के बीच में SICI का भी स्ट्रीम्स का डिफरेंस होता है, PR² / 100 × 100, और वही कुछ और नहीं, वही CI - SI का डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। देयर इज अ 75% इन एन अमाउंट, सॉरी देयर इज इंक्रीज, देयर 75% इंक्रीज एन अमाउंट 5A एट अ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, what will be the compound interest 40,000 rupee after 2 year at the rate same of rate of interest। 5 सालों में कोई पैसा जो है SI से 15% तक बढ़ जाता है। देख बेटा आराम से हिंदी में मैं समझा रहा हूँ, जिन लोगों की इंग्लिश मेरी तरह थोड़ी वीक है बेटा सुन लो आराम से। 5 साल में पैसा जो है 15% से बढ़ जाता है, सॉरी 75% से बढ़ जाता है, किसमें, SI में। तो 5 साल में अगर 75% से बढ़ रहा है तो 1 साल में कितने से बढ़ेगा बेटा, एक साल में बढ़ेगा सिर्फ 15% से। बोलना, अब जहां तक बात है बस बस आराम आराम से रहने का, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, आपको अगली चीजें समझ में आएंगी, आपको चीजें 2-2 मिनट में समझ में आएंगी, लेकिन आराम आराम से रहिए। बस बहुत ज्यादा हेडक मत लीजिए, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट नहीं आता है, उन बच्चों का रिजल्ट में आता है, रिजल्ट आता है जो सही चीजों को पढ़ते हैं, उन कार्टून उन गधों का रिजल्ट नहीं आएगा, ये भी पढ़ रहा है वो भी पढ़ रहा है। सर्टेन चीजों को पढ़िए और जल्दी रिजल्ट ले लीजिए, बाकी सब तो मोह माया, आपको तो पता ही है। अब आइए बेटा थोड़ा सा आराम से काम करते हैं। 5 सालों में 75% का इंटरेस्ट, तो 1 साल में 15%, यानी आप कहेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%। कोई पैसा 75% से बढ़ गया है, 75% इंटरेस्ट, और अगर 5 वर्षों में 75% का इंटरेस्ट मिला है तो 1 वर्ष में मिलेगा 15% का। अब बोला गया क्या, अगर 40,000 रुपए को 2 वर्षों के लिए अगर आप डालते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। एकदम आसान सवाल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 15% है और टाइम 2 साल है, यानी 40,000 का पहले देंगे 15%, जो कि किसके बराबर होगा, 6,000। ओके, फिर क्या देंगे, 6,000 का 15%, जो कि किसके बराबर होगा, 900। ये कितना है, 12,000, और ये कितना है, 900, यानी टोटल पैसा कितना होगा, 12,900 रुपए, क्योंकि 2 साल के बीच में जो रेशियो होता है वो होता है 2:1 का। इसमें मेरे वीडियोस हैं एक CHSL पे, आप देख सकते हैं उसको। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5। A shopkeeper give a 4% discount of 4% and give a 1 article free on purchase 15 article. If we earn a profit 35%, find out the ratio of CP to MP. अब देख बेटा, कभी तुम मार्केट गए और तुम्हें ये पता चला गया, तुम्हें मान लो कि भाई समोसे वाला मोटू पतलू है, तो पतलू समोसा बेच रहा और मोटू समोसा खरीदने गया। पतलू ने कहा कि भाई मोटू मेरे यार, अगर तुम मेरे यहाँ से समोसे खरीदेगा तो हर एक 15 समोसे पे 1 समोसा मैं तेरे को फ्री दूंगा। कितने समोसे पे, 15 समोसे पे, कितने समोसे फ्री, 1 समोसे फ्री। तो मोटू ने कहा ठीक है भाई, जब तू ऐसा है तो तू मेरा अपना आदमी है, तो ठीक है तू ऐसा अरेंज कर, तो दे। तो लट करते हैं क्या कि भाई जो कॉस्ट प्राइस है 1 समोसा का, समझो 30 रुपया है, और बात ऐसा समझते हैं कि MRP जो है 1 समोसे का वो ₹8 है। अब तुम मेरे को ये बताओ, तुमने कितना समोसा बेचा, तुमने बेचा है 15 समोसा तो दिया है और 1 समोसा तुमने फ्री दिया 15 के साथ, यानी अल्टीमेटली 16 समोसा बेचा है। अगर तुमने 16 समोसा बेचा है तो 1 समोसे पे कॉस्टिंग तुम्हें 30 रुपया लगा है, तो 16 समोसों में कितना का कॉस्टिंग लगेगा तुम्हें, 16 का। आप पूछोगे सर ऐसा ही क्यों, क्योंकि बेटा जो तू समोसा एक फ्री दे रहा है, जो तूने एक समोसा फ्री दिया है, वो ऐसा नहीं है कि वो खजूर के पेड़ पे उगा था तूने तोड़ के दे दिया, उस पर तुम्हारा कॉस्टिंग लगा है,
उसको तुमने बनाने में कुछ ना कुछ एक्सपेंड किया है, कुछ ना कुछ तुम्हारा एक्सपेंडिचर छुपा हुआ है उसमें। तो बेटे यहाँ पे सीन ऐसा बना है कि कॉस्ट प्राइस तुम्हारा सी और एमआरपी कितना हो जाएगा हम, और तुम 15 आर्टिकल के साथ एक आर्टिकल फ्री दे रहे हो, यानी आप कहोगे कि टोटल कितना आर्टिकल है, 16 आर्टिकल, और एक आर्टिकल पे कॉस्टिंग सी, तो 16 आर्टिकल पे 16 सी। लेकिन बेचते वक्त आपने कहा कि एक आर्टिकल फ्री है, यानी आप एमआरपी जोड़ पाएंगे कितने आर्टिकल का, 15 आर्टिकल का। ये मोटू कहेगा कि यार पतलू तूने तो बोला कि एक समोसा मैं फ्री देने वाला हूं, तू तो एमआरपी कितने का लिखेगा, 15 समोसे का। उसने बोला ठीक है भाई मैंने 15 समोसे का एमआरपी लिख दिया 15 है, और ये भी मैंने कहा कि तुम्हें 4% का डिस्काउंट दिया। अगर किसी आर्टिकल पे 4% का डिस्काउंट देंगे, यानी उस आर्टिकल का 90% लेंगे, तो एमआरपी का 96% लेंगे। सॉरी, आप देख सकते हो क्या कि अगर आपका एमआरपी 15 एम आ गया है और 4% का डिस्काउंट दिया है, यानी आपका सेलिंग प्राइस होगा क्या 15 एम का 96%। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ओवरऑल अगर 35% का फायदा हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा अगर 16 सी है तो हमें बेचना चाहिए 16 सी के 135% पे, बोलना। यानी कहने का ठीक मतलब क्या कि 16 सी का 135% और 15 एम का 96% आपस में दोनों क्या होगा, एकदम इक्वल। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, देख कुछ नहीं करना है, परसेंट से परसेंट काट, 16 से काटो ये क्या हो जाएगा 6, 15 से काटो ये क्या हो जाएगा 9। अब देखो तो सी बाई एम का वैल्यू क्या आ गया, सी बाई एम का वैल्यू आ गया 6/9। फर्दर ये कटेगा आ जाएगा 2/3, यानी जो रेशियो होगा कॉस्ट प्राइस टू एमआरपी का वो क्या होगा 2:3। दैट इज सो सिंपल। हमें क्या किया, हमें कहा कि एक आर्टिकल का कॉस्टिंग सी है तो 16 आर्टिकल का कॉस्टिंग कितना होगा 16 सी, और ओवरऑल अगर 35% का प्रॉफिट चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस होना चाहिए इसका 135%, और तुमने यहाँ पे एमआरपी जोड़ना है सिर्फ 15 आर्टिकल का 15 एम, 4% का डिस्काउंट, यानी इसका लेंगे 96%। सी वाई एम का वैल्यू आ गया 2:3। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, वही आते हैं जो सवाल भी लिखा हुआ है, क्या ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ 20% प्राइस ऑफ शुगर मैन एबल टू बाई 5 kg लेस फॉर 600 रुपीज, फाइंड आउट द ओरिजिनल प्राइस एंड इंक्रीज प्राइस। हुआ क्या है कि जैसे ही प्राइस किसी भी वस्तु का 20% से बढ़ा, एक बंदे ने 5 kg कम खरीदना स्टार्ट किया। तो बात समझते हैं, प्राइस का ठीक उल्टा होता है कंजम्पशन। अब बात समझो, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। मतलब क्या कि आपका किया गया खर्चा कुछ और नहीं है, मूल्य गुने खपत के बराबर है। बाजार में 2 रुपए kg चीनी बिक रही है, तुम 3 kg से चीनी खरीदोगे, देना पड़ेगा तुम्हें 3 × 2 यानी 6 रुपया, 2 रुपया प्राइस था और 3 रुपया तुम्हारा कंजम्पशन है। अब सुनो मेरी बात को, प्राइस जो है वो 20% से बढ़ गया, यानी 1/5 से बढ़ गया। अगर प्राइस 1/5 से बढ़ गया, अगर पहले प्राइस 5 तो अब 1 से बढ़ के क्या हो जाएगा 6। अब गौर से सुनना, तुम्हारा एक्सपेंडिचर पहले कितना था 600, अब तुम्हारा एक्सपेंडिचर कितना है 600। पहले भी तुम 600 में खरीद रहे थे, अब भी तुम 600 में खरीद रहे हो। ये कहने का मतलब क्या है, 600 कहने का मतलब क्या है, 600 का इतना ही यूज है, पहला 600 का इतना ही यूज है कि पहले भी तुम 600 में खरीद रहे थे बेटा और अब भी 600 में ही खरीद रहे। यानी कहने का ठीक मतलब है बेटे, यहाँ पे बोला ये जा रहा है चेले कि भाई एक्सपेंडिचर दोनों जगह क्या है सेम है, और दोनों जगह अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो आप सब कहेंगे क्या, ये प्राइस अगर 5 से 6 हुआ है तो कंजम्पशन को 6 से 5 होना पड़ेगा, ताकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो सके 6, 30, क्योंकि 5 × 6 = 30 होता है और 6 × 5 भी क्या होता है 30। आप यहाँ पे खुद सोचो, जैसे यहाँ पे आपने कहा कि ये 5 से 6 हो गए और ये क्या हो गया 6 से 5, यानी कहने का ठीक मतलब कि अगर 5 से 6 हो रहा है और 6 से 5 सीधा क्या हो गया उल्टा हो गया, ताकि मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाए सेम। अब आप देख सकते हो कि कंजम्पशन अगर 6 से 5 हुआ है, यानी कंजम्पशन कितने से घटा है 1 से, ये कंजम्पशन 1 से घटा है आपकी नजर में और हमारी नजर में, लेकिन सवाल बोला है कि कंजम्पशन 1 से नहीं घटा है, 5
केजी से, यानी एक बराबर 5 केजी। ये ओल्ड होगा और ये क्या होगा, न्यू होगा। यानी क्या कि प्राइस अगर 1/5 से बढ़ा, यानी पहले प्राइस अगर 5 तो अब 6, यानी इसका ठीक उल्टा। इसका मतलब क्या है कि पहले कंजम्पशन अगर 6 यूनिट तो अब कंजम्पशन 5 यूनिट। कंजम्पशन कितना यूनिट से घटाई क्यों? ये सारे सवाल आपको मैंने पहले क्लास में करा रखे, तो पहले थोड़ा ध्यान से देखना। यानी 1 = क्या आएगा 5 और 6 = 6×5 यानी 20 केजी। यानी हमारा ओल्ड कंजम्पशन होगा 30 केजी। बात करते हैं नए वाले कंजम्पशन की। हमारा जो नया कंजम्पशन होगा वो क्या, हमारा नया कंजम्पशन होगा 5×5 यानी कितना, 25 केजी। हो सके आपको ना दिख रहा हो तो बेटा मैं कुछ इधर लिख देता हूँ। पुराना वाला कंजम्पशन क्या होगा हमारा, ये नया वाला 5×5 यानी 25 केजी। अब पहले तुम कितना केजी खरीद रहे थे, 30 केजी, कितने रुपए में, 600 रुपए में। यानी आप कहोगे कि भाई 600 रुपए में तुम खरीद रहे हो 30 केजी, तो 1 केजी का दाम 600/30 यानी 20 रुपया। दूसरा, तुम 600 रुपए में कितना खरीद रहे हो, 25 केजी। अब 600 रुपए में तुम अगर 25 केजी खरीद रहे हो तो 25 केजी का दाम 600 रुपया, तो 1 केजी का दाम कितना होगा, 24 रुपया। यानी आप कहेंगे कि पहले अगर 20 रुपया खरीद रहे थे, सॉरी पहले अगर प्राइस 20 रुपया था तो अब हो जाएगा क्या, 24। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे है कि पहले अगर 30 केजी चीनी भी बिक रहा होगा, सॉरी कंजम्पशन अगर 30 केजी होगा तो अब कितना केजी हो जाएगा, 25 केजी। यानी हमने यहाँ से क्या क्या निकाल लिया, हमने यहाँ से कंजम्पशन भी निकाल लिया और हमने यहाँ से प्राइस भी निकाल लिया। थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे कर ली। ये सारी चीज मैंने आपको क्लासेस में बता रखी है, लेकिन फिर भी स्टिल आगे आते थोड़ा। अगला सवाल जो काफी रोमांटिक, आइए आते हैं अगले सवाल पे। लिखा हुआ है क्या, मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, यानी एक बंदा जो है वो अपने इनकम का 75% स्पेंड कर सकता है। यानी 75% का मतलब होता है बेटा 3/4, यानी 4 अगर आपका इनकम होगा तो 3 क्या होगा, एक्सपेंडिचर। 4 रुपया कमाया, 3 रुपया एक्सपेंडिचर, यानी 4 में से 3 खर्च कर दिया बेटा, बचाएगा कितना, 1, यानी सेविंग्स कितनी हो गई, 1। अब क्या सवाल बोला है, बोला है क्या इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, यानी इनकम इंक्रीज करा कितने से, 20%, एंड एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स। अब हर एक जगह परसेंटेज काट दो, ये देखो तो कितना हो जाएगा 80, ये देखो तो कितना हो जाएगा 30। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 - 30 यानी 50। वी कैन इजीली से कि हमारा सेविंग्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा, सेविंग्स हमारा ठीक ठाक आ जाएगा कितना, 50%। हम आराम से कहेंगे क्या कि हमारा सेविंग्स कितने से चेंज करेगा, 50%। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। सवाल आएंगे क्वेश्चन नंबर 8। वॉटरमेलन कंटेन 96% वाटर, आफ्टर सम टाइम वाटर रिमेन 95%। एक वाटरमेलन जो है वो 96% कंटेन करता है वाटर, और कुछ समय के बाद ये वाटर कितना कंटेन करने लगेगा, 95%। अब है क्या, फाइंड द प्रेजेंट वेट ऑफ वाटरमेलन, 20 केजी ऑफ फ्रेश वाटरमेलन। यानी पहले जो वेट है जो वाटरमेलन का वो 20 केजी ऑफ फ्रेश है। आप सुनना थोड़ा, अब आप कह सकते हैं क्या कि 96% पहले हमारा क्या है, वाटर, और अब वाटर कितना हो गया, 95%। हमें हमेशा समझना है कि बात कभी ना कभी ये प्रूफ फ्रेश रहा होगा, तो जो कंटेन कर रहा होगा 96% वाटर, और कभी ना कभी ये फ्रूट ड्राई रहा होगा जब कंटेन कर रहा होगा 95% वाटर। ये जब 96% वाटर कंटेन करेगा तो बाकी का 4% क्या होगा, बाकी का 4% रस्ट पार्ट होगा, और जब ये 95% कंटेन करेगा वाटर तो बाकी का 5% क्या होगा, ड्राई पार्ट। आप समझ सकते हैं क्या कि फ्रेश का अगर 4% निकाले तब भी आपका रस्ट पार्ट, और ड्राई का 5% निकाले तब भी आपका क्या आएगा, रस्ट पार्ट।
यानी हम ऐसा करेंगे परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे, फ्रेश बाय ड्राई का वैल्यू आ जाएगा 5/4। कभी भी आप देखोगे वाटर दोनों जगह सेम हो ही नहीं सकता है, लेकिन फ्रेश पार्ट दोनों जगह सेम होगा। आपको हमेशा एक चीज देखना पड़ेगा बेटा, ये डिस्कशन थोड़ा सा हम लोग को फास्ट चलना ही पड़ेगा। आपको देखना है कभी भी हमने आपको पहले भी नोट्स में लिखा रखा है कि पहले अगर 96% वाटर था तो अब 95% वाटर, यानी फ्रेश का 4% बराबर है ड्राई के 5% से, फ्रेश बाय ड्राई का वैल्यू 5/4। अब देखो 5 बराबर क्या होगा 20 केजी के, 5 बराबर 20 तो 1 बराबर 4, तो 4 बराबर क्या आ जाएगा 16 केजी। यानी आप कहेंगे क्या कि हमारा ड्राई जो होगा वो कितना हो जाएगा 16 केजी और हमारा फ्रेश कितना हो जाएगा 20 केजी। समझ पा रहे आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक्चुअली थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ता है कि वीडियो चल रहा है नहीं, क्योंकि मेरे को ये अकेले ही काम करना है और ये थोड़ा सा बीच में हो जाता है कि वीडियो मेरा अचानक से पॉज हो सकता है। एक वीडियो छोटे से बनाने में आपको लगता होगा कि आधे घंटा उठा बना दिया, दो दो तीन तीन घंटे लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है पूरा वीडियो बन गया पता चला तो बंदा ही नहीं पहने हुए, पूरा वीडियो बन गया पता चला अच्छा ठीक है तो माइक तो ऑन किया ही नहीं था, पूरा वीडियो बन गया पता चला एक लाइट ही नहीं ऑन था, पूरा वीडियो बन गया फोटो तो ब्लर आ रहा है, ये हो चुका है वो हो चुका है, मैंने पूरा पढ़ा दिया पता चला मेमोरी फुल हो चुकी है, एक भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। आइए तो बस आइए प्रेम पूर्वक आप लगे रहिए, बस हम आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं। और एक बात और कि हम लोगों ने एक टेलीग्राम पे लिंक बनाया है, आप उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। टेलीग्राम पे एक मैथ बूस्टर का एक लिंक है, आप जाइए टेलीग्राम पे, एक चैनल मिला होगा आपको, मिलेगा आपको मैथ बूस्टर के नाम से, उसको ज्वाइन जरूर करिए। उस पे सारे वीडियोस, सारे तरीके के क्लास नोट्स, सारे तरीके के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, संडे मसाला भी आपको मिलेगा। आइए तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 9, वो क्या कह रहा है, हेवन आफ्टर रिड्यूसिंग अ मार्क प्राइस ऑफ पेन बाय 32 रुपी, आ शॉपकीपर गेन 15%। एक मार्क प्राइस को जब 32 रुपए से घटा दिया गया तो एक शॉपकीपर को 15% का फायदा हुआ। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज 32 रुपी, व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट इज ही मेड इट सेल पेन एट मार्क प्राइस। अब बोला गया क्या कि अगर मार्क प्राइस को 32 से घटाओगे तो 15% का प्रॉफिट होगा, और आपसे ये पता है आपको कि भाई अगर एमआरपी, अगर आपको एमआरपी पे बेचना है, यानी क्या कि यहां से 15% तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, साथ ही साथ 32 रुपए और भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम्हें ये पता है कि 15% यहां से आगे बढ़ा है, लेकिन यहां पे पता है तुमने यहां से कितना आगे बढ़ना है 32 रुपया, क्योंकि एमआरपी से 32 रुपया तुम पीछे आए हो तो तुम्हें 15% का प्रॉफिट हुआ है, और तुम्हें अब एमआरपी पे बेचना मतलब यहाँ पे बेचना है। तो एक बात बताओ, ऐसा क्यों ना हम समझे कि 32 रुपया 320 का कितना परसेंट है वो निकाल, तो ये 32 रुपया 320 का कितना परसेंट है 10% है, यानी अल्टीमेटली पहले 15% का प्रॉफिट हो चुका है, 10% और, यानी टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 25%। कब पे बेचा जाए तो मार्क प्राइस पे बेचा जाए तो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मिक्सर का सवाल है, और हम लोग अभी ही उसको कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन और पेपर। सवाल को अगर आप गौर से देखें तो लिखा हुआ है क्या, अ वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:2, 2/5 ऑफ द मिक्सचर इज विथड्रॉ एंड 15 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, देन द रेशियो बिकम्स 25:8। फाइंड आउट द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, और आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 140, 120, 84, 56 और 100। अब हुआ क्या कि पहले जो रेशियो है मिल्क और वाटर का वो किस रेशियो में, 5:2 में, इसका 2/5 निकाला हमने, पहले क्या निकाला बेटा 2/5 निकाला और 15 लीटर ऐड कर दिया तो रेशियो हो गया 25:8। आपको ये जानना चाहिए पहले कि अगर इनिशियल मिक्सचर पूछा गया है आपसे तो इनिशियल मिक्सचर में मिल्क 5 है, वाटर 2, यानी टोटल क्वांटिटी 5 और 2 क्या होगा 7। 5:2 के रेशियो में यानी मिल्क 5, वाटर 2, टोटल क्वांटिटी 7, हमारा आंसर वही होगा जो 7 से डिविजिबल। 7 से डिविजिबल कौन कौन है, 1, 2, 3, ये 127 से डिविजिबल नहीं और 100 डिविजिबल नहीं। अब देखो अगली कहानी, इस मिक्सचर का टोटल मिक्सचर का पहले 2/5 आपने निकाल लिया,
अगर टोटल मिक्सचर का पहले आप 2/5 निकाला है आपने, यानी टोटल मिक्सचर 5 से भी डिविजिबल होगा, और 5 से इन तीनों में कौन डिविजिबल है, सिर्फ 140। हमारा आंसर 140 हो गया। अब आप कहेंगे कि सर और भी अगर कुछ रहता, अगर 70 यहाँ पे रहता तो क्या होता। तो बेटा अगर इस मिक्सचर का 2/5 निकाल रहे हो तो बचेगा 3/5, यानी ये 140 है। 140 का निकाल लेंगे 3/5, और उसमें फर्दर 15 लीटर मिल्क ऐड करेंगे, यानी उसमें क्वांटिटी को फर्दर हम 15 से बढ़ाएंगे। तो हमें ये पता चलना चाहिए ये रेशियो 25:8 यानी 25 और 8 33 हो जाएगा, यानी फाइनल मिक्सचर 33 से डिविजिबल होना चाहिए। हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मान लो ये 140 है, तो 140 का अगर आपने 2/5 निकाल लिया तो बचेगा 3/5, और 3/5 क्या होता है, 3/5 कुछ और नहीं होगा 84। और इसमें इस मिक्सचर में आपने 15 लीटर और ऐड किया है, यानी 15 लीटर ऐड किया, यानी टोटल मिक्सचर हो गया 99 का। अब देखो तो 99 का आपकी नजर में हुआ है, लेकिन यहां बोला है 25:8 में, यानी 25 और 8 समीशन कितने का है, 35 का है। यानी कहने का ठीक मतलब क्या, वो 33 से डिविजिबल होना चाहिए, 33 से डिविजिबल है, यानी आंसर आपका यही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। एक और ऑप्शन आप रख के देख लीजिए जो 7 से भी डिविजिबल हो और डिविजिबल हो 5 से भी, तो आप देखोगे क्या कि आपका आंसर सिर्फ यही रहेगा। हालांकि यहाँ पे मौजूदा सवाल में यही कहानी थी, हमने यही कहानी करी। हालांकि आपको रेगुलर बैचेज में मैं ये सब कुछ सिखाते रखूंगी कैसे कैसे ऑप्शन से टिक करना है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 11 की। अ फूड मर्चेंट अर्न 20% प्रॉफिट। एक फूड मर्चेंट को 20% का फायदा होता है, यानी 1/5 का। यानी फूड मर्चेंट अगर खरीदा होगा 5 में तो बेचेगा 1 के प्रॉफिट, यानी 6 में, क्योंकि भाई 20% का मतलब 1/5 होता है, और 5 आपका सीपी होगा और 1 होगा आपका क्या, प्रॉफिट। आगे देखते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मैंगो इज इंक्रीज बाय 1 रुपी, सेलिंग प्राइस को जैसे ही 1 रुपए से बढ़ाया द प्रॉफिट बिकम्स 40%। एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस को आपने 20, जैसे ही आपको 1 रुपए से बढ़ाया है तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होने लगा 40% का, और 40% का मतलब 40/100 यानी 2/5। यानी आप कहेंगे क्या कि 2/5 का प्रॉफिट, यानी खरीदा अगर 5 के तो बेचेंगे 2 के, फायदा यानी 7। एक बात बताइए, ये 40% का प्रॉफिट कब हुआ, ये 40% वाला प्रॉफिट, ये 40% वाला प्रॉफिट आपको कब हुआ, जब आपने सेलिंग प्राइस बढ़ाया। जब आपने क्या बढ़ाया, सेलिंग प्राइस, आपने बढ़ाया क्या है, सेलिंग प्राइस। दोनों जगह सेम हुआ क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में छेड़कार किया नहीं, क्या दोनों जगह कॉस्ट प्राइस सेम है क्या, हाँ। अगर सेम नहीं रहता तो खींच तीर के सेम करते, यानी बैलेंस बाबा की जय बोल देते, बैलेंस कर देते, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह पहले से सेम है। अब देखो दोनों जगह अगर पहले से सेम है तो आपकी नजर में पहले सेलिंग प्राइस कितना था, 6, अब कितना आ गया, 7। कितना से बढ़ा है, 1 यूनिट से, आपकी नजर में 1 यूनिट से, मेरी नजर में 1 यूनिट से। सवाल भी क्या बोला, सवाल भी बोला है 1 ही रुपया से बढ़ा है, यानी 1 यूनिट बराबर 1 रुपया। बोला है क्या, पूछा है क्या आपसे, फाइंड आउट द इनिशियल सेलिंग प्राइस। इनिशियल सेलिंग प्राइस बोला, यानी ऑब्वियस सी बात है, ये 6, 1 बराबर 1 रुपया, तो 6 बराबर 6 रुपया, आंसर बिल भी क्या हो जाएगा, 6 रुपी। आगे देखते हैं, बाई सेलिंग 32 रुपी, सॉरी ऑरेंजेस 32 रुपी, अ मैन लूजेस 40%, हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल फॉर ही गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक बंदे ने जब 32 आर्टिकल बेचा तो 20% का, सॉरी 40% का नुकसान है, 40% का नुकसान, यानी सीपी के 60% पे बेचा है। कितने आर्टिकल को बेचा जाए कि 20% का फायदा हो, यानी उसको बेचना पड़ेगा 120% पे, सीपी के 120% पे। पहली दफा 40% का नुकसान यानी 60%, दूसरी दफा 120% का, 20% का फायदा यानी 120%। काटिएगा, रेशियो होगा 1 और 2 का। मैंने क्लासेस में आपको बताया था बेटा कि सेलिंग प्राइस का ठीक उल्टा होता है क्या, प्रॉफिट, सॉरी आर्टिकल। ये सेलिंग प्राइस का हो गया 1 और 2 का, तो आर्टिकल का रेशियो होना चाहिए 2 और 1। यानी क्या कि अगर 2 आर्टिकल बेचोगे तो 40% का लॉस, तो भैया 1 आर्टिकल बेचोगे तो 20% का फायदा। और जब आपको लॉस हो रहा था तो आपने 2 नहीं, कितना बेचा है, 32 आर्टिकल, 2 बराबर 32 आर्टिकल, 1 बराबर 16 आर्टिकल,
और यहाँ भी एक बराबर क्या आएगा, 16 ही आर्टिकल आएगा। यानी अगर आप 20% का फायदा चाहते हैं तो 16 आर्टिकल बेचा करिए। आगे बढ़ते हैं, अब लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 13। अ सम ऑफ मनी एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट थ्राइस ऑफ इट सेल्फ इन हाउ मच टाइम इट विल बी 9 टाइम ऑफ इट सेल्फ। एक पैसा जो है वो अपने आप का 9 गुना हो जाता, 3 गुना हो जाता है कितने साल में, थ्राइस इन 3 ईयर। यानी कोई पैसा जो है अपने आप का 3 गुना हो, आइए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 3 इयर्स। एक पैसा जो है वो अपने आप का 3 गुना हो गया। 3 गुना कहने का मतलब 3 की पावर 1 हुआ है, कितने साल में, 3 साल में। पावर का ठीक रिलेशन यहाँ चलता है टाइम से, क्योंकि सेम नंबर ऑफ टाइम में कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा सेम ग्रोथ दिखाता है। अब देखोगे कि 3 गुना हो गया है 3 साल में, यानी 3 की पावर 1 हुआ है 3 साल में। इन हाउ मच टाइम इट बिकम्स 27 टाइम, 27 टाइम्स, सॉरी 9 टाइम ऑफ इटसेल्फ। 9 टाइम्स का मतलब होता है 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 1 हुआ है 3 साल में, तो आपसे पूछा गया है 3 की पावर 2 कितने साल में होगा, कितने साल में। पावर में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई, 2 से, यानी आपको टाइम कितना आ जाएगा, 6 साल। बहुत ही आसान सा सवाल था यार। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं। देखो 14 नंबर सवाल वैसे मैंने आपको क्लास में करा रखा है, बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लोग अब उसको स्किप कर रहे हैं, और आसान सा भी सवाल है। हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। इन अ 2 डिजिट नंबर, देखो जब भी कभी ये सब 2 डिजिट नंबर वाला का सवाल आएगा तो हमेशा आप ऑप्शन से बनाएंगे, नहीं तो सवाल बहुत लंबा चला जाएगा। मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ यार, मैं आपके खजाने खुद दिखा रहा हूँ यहाँ पे करना क्या है। In a two-digit number, the digit as unit place is one more than twice of the digit as tenth place. जो unit place पे number होगा, वो tenth place के number से कितना ज्यादा होगा, वो कितना ज्यादा रहेगा, one ज्यादा रहेगा, double से one ज्यादा पे रहेगा, इसके double से one ज्यादा। और ये बोला गया है, if the number of digits are interchanged, then difference between the new number and the original number is less than one the original number. अब पहले बात को सुनिएगा, मैंने एक एक बात हिंदी में बारे समझाना है कि बेटा अगर इस नंबर को उल्टा करोगे तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि यूनिट प्लेस का नंबर जो है वो टेंथ प्लेस के नंबर से डबल से एक ज्यादा रहना चाहिए। टेंथ प्लेस पे क्या है, 5, 5 का डबल 10, 10 का 8 11 होना चाहिए। यानी ये आंसर हो गई, क्योंकि यूनिट प्लेस का नंबर इसके डबल से एक ज्यादा। यहाँ देखिए, यहाँ 10th प्लेस पे 3, 3 का डबल 6, 6 और 1 7। अब क्योंकि बोला यूनिट प्लेस का जो नंबर होगा वो 10th प्लेस के नंबर के डबल से एक ज्यादा, 3 का डबल 6, 6 और 1 क्या होगा 7। तो ये आपका आंसर हो सकता है, वी डोंट नो, ओके, हो सकता है। 2 का डबल 4, 4 प्लस 1 5, हो सकता है। 4 का डबल 8, 8 और 1 9, हो सकता है। लेकिन अब यहां पे कंडीशन ये है कि डिफरेंट इनको नंबर को उल्टो और जो डिफरेंस होगा ये ओरिजिनल नंबर से एक का। मैं आपको पहले एक साफ शब्दों में बात बता दूं कि अगर कोई भी नंबर को आप उल्टा करते हैं, कोई भी नंबर को अगर आप उल्टा करते हैं तो इनका जो भी डिफरेंस होता है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 10x + y - 10y + x² होता है 9 × x - y। यानी अगर 71 - 17 कोई कहने करता है तो ये कुछ और नहीं, ये 9 × 7 - 1 क्या होगा, 6। यानी ये 9 × 6 के बराबर, यानी 54 के बराबर है। क्यों? क्योंकि इनका इन दोनों डिजिट का डिफरेंस क्या है, आपका 5, 6 है, सॉरी इन दोनों डिफरेंट डिजिट का डिफरेंस क्या है, 6 है। इसलिए आंसर क्या होगा, 9 × 6। किसी ने कहा 83 - 38 क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या कि भाई डिफरेंस जो भी होगा वो हमेशा 9 का मल्टीपल होता है, और आपको पता है कि ये सब हमारे पिक्चर में आ गए। अब चेक कैसे करेंगे, चेक क्या करना है, क्या पहला तो चेक ऐसे हो जाएगा कि ओरिजिनल नंबर से एक घटा वो तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि डिफरेंस हमेशा इंटरचेंज करने के वाले बाद नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो ये समझिएगा कि भाई नंबर का उल्टा क्या, 73 - 37 लिखना है, ये बराबर किसके आएगा, 36 के।
देखो तो क्या इससे एक कम आया है क्या? एग्जैक्टली यही तुम्हारा आंसर हो गया, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे भी एक कम करने पे ये 900 डिविजिबल है, बाकी सब 900 डिविजिबल नहीं है, तो आंसर तो यही होगा बेटा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, सॉरी 16 को देखते हैं। देखो 16 के बाद जो दो सवाल है आपके 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ये तो दोनों सवाल 19 नंबर सवाल तो हमारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा और 20 नंबर सवाल उसका भी सॉल्यूशन दे पाएंगे, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण हमारे हमारे डिवाइस में सफिशियंट स्पेस ना होने के कारण हमको वीडियो यहीं पर रोकना पड़ेगा। और इस वीडियो में जो भी दो सवाल छूटे हैं वो दो सवाल हम अगले वीडियो में आपको करके दे देंगे, चिंता मत करिएगा, वो वीडियो हम आपको एक और अपलोड कर देंगे, इसका संडे मसाले का ही एक और आपको पार्ट अपलोड करके मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। जो भी क्वेश्चन छूट चुका है, लेकिन एक अच्छा सवाल जो भी कर लेंगे, एक पैसा जो है वो 16 गुना हो गया है 2 साल में हाफ ईयरली के हिसाब से। अगर एक पैसे को हाफ ईयरली में रखा गया तो भाई 2 साल में 16 गुना हो गया। हाफ ईयरली में इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो हर एक 6 महीने पे। हर एक 6 महीने पे कहने का मतलब क्या कि भाई हर एक 6 महीने में 2 साल में कितना 6 महीना था, 1, 2, 3 और 4। अब 4-6 महीना ये पैसा हो गया अपने आप का 16 गुना। 16 गुना करने का मतलब क्या, पैसा कितने गुने से बढ़ गया, 2-2 गुने से बढ़ता जा रहा है। यानी वी कैन इजिली से पहले साल 2 गुना, फिर 100 2 गुना, फिर 2 गुना और फिर 2 गुना श्योर। यानी कहने का ठीक मतलब कि पैसा अगर ठीक 2-2 गुना होता जा रहा है, यानी हर एक 6 महीने में 2 गुना हो रहा होगा, 1 रुपया बन जा रहा होगा 2 रुपया। कितने का इंटरेस्ट दिख रहा, 1 का। 1 का इंटरेस्ट कितने में, 1 में। अगर 1 का इंटरेस्ट 1 में है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 100%। कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए। तो 6 महीनों के लिए इंटरेस्ट अगर 100% है तो भाई 12 महीनों का इंटरेस्ट कितना होगा, यानी 1 साल का इंटरेस्ट होगा 200%। आपसे बोला गया है कि अगर पैसे को कंपाउंडली डाला जाए, अगर पैसे को कंपाउंडली डाला जाए तो कितने साल में ये पैसा 27 गुना बनेगा, सॉरी कंपाउंडली ईयरली डाला जाए तो देखो 12 महीने में अगर 200% का इंटरेस्ट मिला है, यानी 1 रुपया जो है 1 साल में 200% का इंटरेस्ट लेगा, यानी क्या 1 रुपये में 2 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, पैसा बन जाएगा 3 रुपये। और पैसा 3 रुपये बनने का मतलब है क्या कि 1 रुपया बन जाएगा, एक साल में तो 200% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 2 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 1 रुपया बन जाएगा आपका 3 रुपये। यानी आप कहेंगे कि भाई 3 की पावर 1 होता है कितने साल में, 1 साल में बनाना है 27 गुना, यानी 3 की पावर 3 वो कितने साल में होगा, वो होगा 3 साल में। दैट इज योर आंसर। जो बाकी के दो सवाल है उन दोनों सवाल का सॉल्यूशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए। जो बच्चे हमारे जिन्होंने बच्चों ने संडे मसाला का टेस्ट दिया था उनका ये डिस्कशन आज का ये रहा, और भी दो क्वेश्चन का और भी सॉल्यूशन आएगा, हम ऐसे ही लगातार आपको सॉल्यूशन देते रहेंगे। संडे मसाला को अटेंड करना मत भूलिए, ये आपको आगे काफी बेनिफिशियल पहुंचाएगा। थैंक यू वेरी मच।